हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगेश गुप्ता और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा हैरियर के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, जो कि है आपका प्योर प्लस एस। जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है वो आपका हैरियर प्योर प्लस एस का ऑटोमेटिक वर्जन है। मैनुअल वर्जन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और कलर देख रहे हैं, एस ग्रे नाम से कलर आपको ये देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक वर्जन की प्राइस पड़ती है 21.09 लाख एक्सोरूम, और ऑन रोड जाती है लगभग 25 लाख, और जो आपका मैनुअल वर्जन है लगभग वो 24 लाख के आसपास चला जाता है, 23.5 लाख के आसपास चला जाता है। तो इसी का कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 26 लाख में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। और शुरुआत करेंगे इसके की फॉब से, वही बेसिक सी चाबी जिसमें लॉक अनलॉक, फॉलो मी हैंडलैम्प, बूट रिलीज के बटन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल्स ऑफर किए जाते हैं, और ये आपके इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इसको अगर इंडिकेटर को बंद करेंगे तो ये एलईडी डीआरएल यहां तक रन करता है। पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट की ग्रिल, कोई कैमरा नहीं है, कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, टाटा का लोगो। लोअर ग्रिल आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में देखने को मिलती है। इसको देख के वो मत होइएगा कि अडास लगा है, इस वेरिएंट में अडास नहीं है, बस ये स्पॉट बंद किया गया है। स्किट प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी, लग रहा होगा ना कि बॉडी कलर नहीं है, सिल्वर कलर में स्किट प्लेट है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन 205 mm का ये दानव आपको प्रोवाइड करता है। ऊंचा सा बोनट, कैरेक्टर लाइंस बहुत ही अग्रेसिव आपको देखने को मिलती है, फ्रेमलेस ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलते हैं। ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करी जाती है। दोस्तों लाइट सेटअप की बात करी जाए तो एलईडी प्रोजेक्टर का हेडलैम्प का सेटअप है, कोई भी फॉग लैम्प नहीं है, और ये पूरी हाउसिंग आपकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है। गाइस साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल है, ये देखो कलर बेहतरीन है, और इस समय शाम का टाइम है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। 4605 mm की लंबाई, 2741 mm का फुल साइज व्हील बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हैरियर की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ORVMs देखने को मिलते हैं दोस्तों, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, बॉडी कलर में डोर हैंडल्स, और क्रोम का कहीं पे भी आपको यूज नहीं मिलेगा। विंडो लाइन के जो पिलर्स वगैरह है सब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ के साथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में शार्फिन एंटीना ऑफर किया जाता है, और रूफ रेल्स मैट ब्लैक फिनिश में है। साइड क्लैडिंग में कोई भी आपको क्रोम नहीं मिलेगा, नीचे मोटी सी ब्लैक कलर की पट्टी आपको यहाँ देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो आप इसको ऐसे बड़े आराम से खोल सकते हैं, अगर आपकी जेब में चाबी है तो 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, डीजल में आपको ये देखने को मिलती है। दोस्तों यूरिया कहाँ से भरा जाता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा गाइस। बाकी टायर की बात करी जाए तो आप देख लीजिए MRF के टायर्स हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये है आपके 70 इंचेस के 235/65 और 70 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल, और सिल्वर कलर में आपको यहाँ पे अलॉयज देखने को मिलते हैं। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो ये तो हो गई आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल, बहुत बेहतरीन साइड प्रोफाइल ऑफर करी जाती है। बात कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की। 1715 mm की कुल ऊंचाई, कनेक्टिंग टेल लाइट का पूरा सेटअप, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री नहीं है, वाइपर है, डिफॉगर लाइंस नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह से स्पॉयलर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरा है, दो आपको यहाँ पे लाइटें हैं एलईडी में, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, हैरियर की बैजिंग है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, और स्किट प्लेट सिल्वर कलर में देखने को मिलती है। स्पेयर टायर आपका अंडर बॉडी स्टील में देखने को मिलता है। दोस्तों बाकी ये देख लीजिए सस्पेंशन और चेसिस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी गाइस। बाकी कनेक्टिंग टेल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, स्ट्राइकिंग आपको ये टेल लाइट देखने को मिलती है, जैसे बिजली गिर रही है। ये रहे आपके इंडिकेटर्स, नीचे आपको यहाँ पे एक हेलोजन में आपके पास रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और यहां से देखिए खाली पोर्शन है ना हवा आने जाने के लिए। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट रियर प्रोफाइल ऑफर करी जाती है। एक बार बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंसर भी देखने को मिलता है, चाबी से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। 445 लीटर का बेहतरीन सा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। ये रही आपकी पार्सल ट्रे, क्वालिटी काफी बढ़िया है, जबकि कितनी लंबी पार्सल ट्रे है उसके बाद भी क्वालिटी काफी बढ़िया है, और ये एकदम फ्लैट बूट बन जाता है। ये सब खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको टोटल 4 ही स्पीकर मिलते हैं, तो ये नहीं मिलेगा पीछे।
बाकी यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको ये स्पेस मिलता है और यूरिया आप यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो हैरियर के हर वेरिएंट में यूरिया यहीं से भरना है 60-40 स्प्लिट में रियर सीट से। हायर वेरिएंट में यहाँ से आप बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिक, नहीं तो आपको भी पकड़ के ही बंद करना होगा दोस्तों ऐसे। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट रियर प्रोफाइल देखने को मिलती है। गाड़ी के दूसरी तरफ आएंगे तो इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, एक ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो बहुत भारी डोर पैनल्स हैं। यहाँ पे एक लाइट मिलती है आपको इमरजेंसी में, जब रात में दरवाजा खोल रहे हैं तो पीछे वालों को पता चल जाएगा। ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है। अलग कलर का फैब्रिक देखने को मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, सिल्वर सैटिन फिनिश में आपका ये हैंडल अनलॉक करने के लिए। ये ग्रैब हैंडल देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी सिल्वर सैटिन का यूज मिलेगा। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट और ORVMs के कंट्रोल, चार स्पीकर मिलते हैं। ड्राइवर सीट की बात करें तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। फैब्रिक अपोस्ट्री में है, ब्लैक और स्लेटी कलर में आपको ये देखने को मिलेगा। फैब्रिक खुद ही देख लो आप, ठीक। और काफी आपको यहाँ पे ना नंबर सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे देख लीजिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। बाकी एक बार ना अंदर बैठते हैं, उससे पहले बाहर से देखो तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलता है गाइस। ऑटोमेटिक वाला वर्जन है और इंजन बे ओपनर और यहाँ पे इग्निशन स्विच, एसी के वेंट्स, किनारे किनारे सिल्वर सेटिंग का यूज। और यहाँ पे आप देखो ना थोड़ा सा स्लेटी कलर का टेक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लस्टर इसका मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए 10.24 इंचेस का बहुत बेहतरीन सा आपको यहाँ पे क्लस्टर देखने को मिलता है। और वेलकम स्क्रीन की बात करें तो बहुत खूबसूरत वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। RPM मीटर, टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज इंडिकेटर और यहाँ पे आपका सीट बेल्ट की वार्निंग वगैरह सब कुछ दिखाएगा, बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि सब कुछ आपको यहाँ हार्ड मिलता है, सॉफ्ट टच का कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है। स्टेयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलता है और यहाँ पे आपको सिल्वर का यूज किया गया है। यहाँ पे लेदर रैपिंग है, टाटा का लोगो बीच में आता है, एयरबैग की बैजिंग है। टोटल आपको यहाँ पे 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं दोस्तों। सेफ्टी के मामले में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। हॉर्न की प्लेसमेंट है, एक बार मैं आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हॉर्न बजता है दोस्तों। बाकी लेफ्ट साइड में पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में पोर्शन देखिए। इधर आपको इन्फोटेनमेंट सीन्स रिलेटेड सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, व्यू बटन से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इधर आप देख लीजिए पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, इधर पैडल शिफ्टर्स, स्टेयरिंग कॉलम आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है दोस्तों। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन की बात करी जाए तो 10.24 इंच का बहुत बेहतरीन सा इन्फोटेनमेंट। टच रिस्पॉन्स काफी बेहतरीन है। 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन एक बार अगर हम रिवर्स लगा के देखें तो ठीक है, रिवर्स लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको रिवर्स कैमरा यहाँ पे देखने को मिलेगा और अडेप्टिव है। स्टेयरिंग के साथ ये गाइडलाइंस मूव हो रही है दोस्तों। वापस पार्किंग मोड में डाल दिया जाए। नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से एसी के वेंट्स मैट ब्लैक फिनिश में है। ये पूरा पोर्शन आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिल्वर की लाइन है, यहाँ तक गई है। ये ब्लैक है, ये भी आपका ब्लैक है, थोड़ा अलग टाइप का ब्लैक है। और यहाँ पे हजार्ड की लाइट, बूट ओपनर, लॉक अनलॉक करने के लिए, टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए और ये फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। नीचे आ जाइए, एक USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर नहीं किया जाता है। रफ रोड और वेट मोड आपको देखने को मिलता है। इको और सिटी मोड यहाँ से लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड यहाँ से लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और गियर नॉब की क्वालिटी काफी बढ़िया है। और ये हवाई जहाज वाला हैंड ब्रेक आपको देखने को मिलता है, मुझे लगता है इसको हटा देना चाहिए और ऑटोमेटिक ब्रेक्स का फंक्शन आपको यहाँ देना चाहिए था। दो कप होल्डर देखने को मिलते हैं। अब ये पूरा खींचता है ना तो यहाँ पे बॉटल नहीं आ पाती है, अब ये दिक्कत है। सॉफ्ट टच में ये आपको आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग नहीं है। अंदर देख लीजिए 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस ऑफर किया जाता है। सीट्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, काफी डीप ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है, लेकिन इसमें लाइट नहीं दिख रही है, बंद कर देते हैं। ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। स्पीकर माइक्रोफोन की प्लेसमेंट, एयरबैग ऑन और ऑफ होगा तो यहां से पता चलेगा। केबिन लाइट आपको LED में देखने को मिलती है। सनरूफ मिलती है इस वेरिएंट में और बहुत बढ़िया पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलती है। और कितनी ही बढ़िया बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर करी जाती है, ये देख लीजिए। और वन टच में आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे, ड्राइवर साइड में कोई भी ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलता है, मैनुअल आपके IRVL देखने को मिलते हैं। इसको ऑटोमेटिक देना चाहिए था, ऑटो डिमिंग देना चाहिए था दोस्तों। तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट यहाँ पे कंसोल देखने को मिलता है, और डैशबोर्ड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो की बात करते हैं। ये देखिए सेकंड रो, यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का फीचर ऑफर किया जाता है, सेम पैनल आपको देखने को मिलता है डुअल टोन में। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, सिल्वर सैटिन फिनिश में ये पोर्शन, ग्रैब हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, मोबाइल होल्डर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। ट्विटर यहाँ नहीं मिलते हैं, ये खाली है, ट्विटर स्टैंड खाली है। बाकी बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटीरियर ऑफर किया जाता है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, स्लेटी कलर में। बाकी 60-40 स्प्लिट में सीट्स देखने को मिलेगी। कितना ही बड़ी पार्सल ट्रे आपको ऑफर करी जाती है, दो ही एडजस्टेबल एड्रेस मिलते हैं, तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको देखिए यहाँ पे मिलता है दोस्तों। कोई भी आर्मरेस्ट कप होल्डर नहीं मिलता है गाइस। जब आप अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल लाइट ग्रैब हैंडल्स, इधर भी सेम इंडिविजुअल लाइट और ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलता है। डैशबोर्ड पे नजारा मारिए, कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। सीटिंग कम्फर्ट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं लेग रूम में, नी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एसी के वेंट्स यहाँ नहीं है, एक टाइप सी का पोर्ट, एक यूएसबी पोर्ट, 5-7 उंगल का हम्प देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है। बाकी यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है। तो ये रहा आपका पूरा इंटीरियर, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस। अब चलते हैं इंजन भी दिखा देता हूँ। इस कार में आपको 2 लीटर का क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज की बात करें तो 16.8 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, हार्डली 14 या 13 का माइलेज आपको सिटी में देखने को मिलता है। बाकी लेआउट वगैरह काफी बढ़िया से ऑफर किया जाता है, डैम्पिंग वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे आपको डैम्पिंग वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी टाटा की हैरियर का प्योर प्लस एस वेरियंट डीजल ऑटोमेटिक में आपको ये देखने को मिलता है, 26 लाख लगभग ऑन रोड पड़ जाती है। इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।